हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दें, जिससे कि हेलो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यूट्री कैनल डायबिटीज चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, हमारे पास एक सेट आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोकिया मॉडल है 1280। तो आज हम इसका फ्रेंड्स बताने वाले हैं कि इसके रिंगर में प्रॉब्लम है, जो रिंगर है ये साउंड नहीं दे रहा है और कनेक्टिविटी हमारी सही है सब। रिंगर भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। रिंगर चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मीटर को बजर मोड पर कर देना है। बजर मोड पर करने के बाद यहाँ पर देखिए, हम इस प्रकार से लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए बजर बज रहा है, इसका मतलब हमारा जो स्पीकर है वो सही है और देखिए रीडिंग भी दे रहा है कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा मीटर यहाँ पर देख सकते हैं 9 पॉइंट कुछ आ रहा है समथिंग। तो हमारा जो स्पीकर है वो बिल्कुल सही है और हमारे इसमें जो है कनेक्टिविटी, अब फ्रेंड्स हम चेक करते हैं तो हमारा ये रिंगर जो है चल नहीं पा रहा है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका सिंपल आप जम्पर कैसे लगाएंगे, जम्पर कैसे इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर एक प्लेट आती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ फ्रेंड्स हमारे जो है बताते हैं कि आपको ये, यहाँ पर आप ये कंपोनेंट देख रहे होंगे, एक ये और एक ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ मीटर से, अभी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ मीटर से, देख सकते हैं आप, ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट होते हैं। देखिए एक सिरा में यहाँ पर बजर मोड पर लगा हुआ है हमारा मीटर और यहाँ पर देखिए बीप का साउंड सुन रहा है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी बीप का साउंड। तो यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्ट होते हैं। और फिर जो है इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो यहाँ से चलता हुआ करंट और आ जाता है इन पर, तो यहाँ पर ये आपको चार कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ से बता देते हैं कि यहाँ से आपको कनेक्शन कर देने हैं, एक यहाँ से इस वाले इधर के कंपोनेंट से इस पर और एक इस पर। आपको मैं पिक्चर दे दूंगा, यहाँ पर पिक्चर आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी अगर आप जम्पर करते हैं, आपका जो साउंड नहीं आता है, तो आपको दूसरा जो मतलब यहाँ से आपने जम्पर कर दिया तब भी आपके यहाँ पर साउंड नहीं आ रहे हैं रिंगर में, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये जो वाला ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है इसके ऊपरी सिरे पर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऊपरी सिरे से, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी, इस प्लेट को आपको उखाड़ लेना है और इस प्लेट के सबसे इधर की ओर जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है रे, तो इसके इस वाले सिरे पर, दो सिरे होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट सिरे पर ये, इस वाले सिरे पर आप देख सकते हैं इस पर, और इस पर आपको ऊपरी सिरे पर एक जम्पर दे देना है, जैसा कि मैं आपको अभी दे के दिखा देता हूँ। क्या हो गया बेटा? तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ, ये देखिए इस वाले हमने कोने पे से, इस पर से यहाँ से लिया है हमने एक जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जम्पर यहाँ पर इस वाले कंपोनेंट पर दे दिया है ऊपरी सिरे पर, और ये जो यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है इसके ऊपरी सिरे से एक जम्पर यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक जम्पर दे दिया है। अब फ्रेंड्स आप इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि हमें जो है रीडिंग मिल रही है नहीं मिल रही है मीटर में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर रख दिया है और कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 1245 हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पर आ रही है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है रिंगर पर हमारा जो है, हमारा रिंगर चालू हो जाएगा। तो अब हम इसको रिंगर को यहाँ पर सेट, हमने जम्पर दे ही दिया है और जम्पर दे दिया है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, जम्पर को कुछ तरीके से मतलब सेट कर देना है जिससे कि ये
टूटे ना या फिर कोई परेशानी ना आए हमें बाद में, ये जैसे हिलकर टूट ना जाए आपका। तो यहाँ पर आपको टैपिंग कर देना है इसको फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको टैपिंग कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इस जम्पर को जो है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने टैपिंग कर देने के बाद इसको ऑन कर लेना है। सिंपली हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं सेटिंग में। सेटिंग पर जाने के बाद फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पर रिंगटोन सेटिंग पर क्लिक कर दिया हमने। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें साउंड देखने को मिल चुके हैं, यहाँ पर हमारे साउंड आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप किसी भी अपने यहाँ पर देखें अपने किसी भी नोकिया 1280 मोबाइल में, अगर आपके दो नॉर्मल मैंने बताया है सभी अधिकांश यहाँ से होता है, अगर यहाँ से भी साउंड नहीं आते हैं तो फ्रेंड्स मैंने जो दूसरा तरीका बताया वहाँ से आप जम्पर दे सकते हैं और आपके जो है इस रिंगर साउंड आ जाएंगे आसानी से। आप अपने किसी भी मोबाइल को 1280 जो मॉडल है उसको आसानी से ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।